आज के लिए चलेगा, रोज रोज नहीं चलने वाला ही है। इसीलिए पहले मैसेज करवाया था कि जल्दी से आप लोग जुड़ जाए। नहीं किया होगा, चलिए इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मान लीजिए कि
The cost of a large incorporate in for 30 days at
कार के एक रेफ्रिजरेटर से वो 400 वाट है, उसकी पावर 400 वाट है और वो एवरीडे 8 आवर्स ऑपरेट होता है यानी चालू रहता है। तो उसके द्वारा कंज्यूम किए गए इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा यदि एक यूनिट के लिए ₹3 चार्ज किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि वो एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करता है और फिर हम ये निकालेंगे कि 30 दिन में कितना करेगा और फिर जो यूनिट्स करेगा उससे रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें कि एनर्जी कंज्यूम
जरा मैसेज द्वारा, क्योंकि अभी इस पर तो ऑडियो चालू नहीं हो सकता है। ऑडियो चालू होगा जब अपना ऐप आएगा, तो क्योंकि अपना ऐप आने वाला है आप लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए तो चल रहा है, जैसे कि बाहर के बच्चे हैं उनके लिए चल रहा है। तो उससे करना ये है कि आप हमको जरा मैसेज करके बताएं कि इसकी क्वालिटी कितनी जा रही है, क्योंकि ऐप जो है जोड़ना है सारा जुड़ेगा, आपके अपना विकास रहेगा, रेडियस मतलब उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया का रेडियस जो है
फिर भी क्वेश्चन चाहे तो इस क्वेश्चन को हमको बनाना। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इवेंट क्या है। इवेंट में है आर इसको डिवाइड कर देते हैं, नियर अबाउट वैल्यू आएगा 1.5।
Yes.
और इस साइन पर आकर
by 4 by epsilon q by r. ठीक है, अब इसमें कुछ रिलेशंस लेते हैं कि उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज एक्सटर्नल चार्ज जिस बॉडी का हम निकाल रहे हैं एक्सटर्नल चार्ज और जिस बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड से उनमें रिलेशन क्या होता है। तो उस रिलेशन को निकालने के लिए आगे हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि वो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसकी जगह पर हमने वो क्यू चार्ज का एक बॉडी ऐसा लिया जिस पर स्मॉल क्यू चार्ज है। अगर हमने डिस्टेंस को लिया बॉडी जो गिवन से वो बढ़ गई यानी कैपिटल क्यू, लेकिन यूनिट जो चार्ज था उस बॉडी की जगह एक ऐसा बॉडी हम वहाँ पर प्लेस कर रहे हैं जो कि क्यू चार्ज है उस पर स्मॉल क्यू चार्ज है। तो ऐसी कंडीशंस में दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेगा तो न्यूटन्स लॉ से दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा। अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ है तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट यू इनटू क्यू बाई आर यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अनुसार दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर। और दोनों की वैल्यू अलग है, क्यू स्क्वायर नहीं लिख सकते, वहाँ पर हमने दोनों का एक ही वैल्यू लिया था इसलिए क्यू स्क्वायर भी लिखा था। चलो तो ये हो गया। और दूसरा आपने देखा कि ई इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या निकाला है, वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर।
में एक्शन करता है उसी डायरेक्शन में इसका क्या होता है डायरेक्शन होता है। तो ये डायरेक्टेड किधर होता है, ये होगा नहीं डायरेक्टेड होता है जब फोर्स एक्टिव होता है, यानी कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एंगल पी द होल पावर 3
और ये हमें फाइव का
या क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम्ब। तो चलो ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं, देख लेते हैं कितना आता है। अब ये इस तरह का हो गया, ई हमें फाइंड करना है, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू सब शूट कर देते हैं, वैल्यू उसका क्या है ये देखिए, का वैल्यू कितना है, तो ये है 9 × 10⁻¹। और इसको नोमेरिकल लिखते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट इसमें यूनिट्स लिखेंगे तो अलग अलग यूनिट्स नहीं लिखते हैं, कटने के बाद यूनिट्स वहीं आता है। तो 9 × 10⁻¹ क्यू, ये है 32 × 10⁻¹⁹ और मीटर आर स्क्वायर है, तो 3 × 3 = 9। तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया और चौथा का आंसर बिल्कुल सही है, 32 न्यूटन पर कूलम्ब। चौथा का आंसर बिल्कुल सही है, चौथा ने आंसर जो दिया था 32 न्यूटन पर कूलम्ब होगा। और चूंकि कॉलिंग्स नहीं हो पा रही है तो हम कुछ कर रही है पता नहीं कर सकते हैं, हम तो केवल ट्रायल कर लिए थे कि इसी फिक्शन पे आपका ऐप को संभव हो जाएगा। तो ये केवल ट्रायल तक इस ट्रायल करके इस पर देख लेंगे, किसी दिन फेसबुक पे भी ट्रायल करके देखेंगे और दोनों का जो कंबाइन करेंगे उसके हिसाब से बनेंगे, क्योंकि मीडिया टोटल मीडिया कनेक्ट हो जाएगा जो हम लोग के पास चलेगा। तो ये हम पूछ नहीं पाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, उधर से मैसेज ऐसे करेंगे तो कितना मैसेज हम पढ़ते रहें। तो ये मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो उस टॉपिक को जरूर हमें मैसेज दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है फिर से एक बार कहेंगे कि बिना सवाल के और बिना किसी झिझक के कभी भी हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हर टॉपिक से संबंधित होनी चाहिए, बस आप कुछ भी हमसे पूछें और जितना हमसे कनेक्ट रहिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। ये तो कनेक्ट होने के बाद ही पता चलता है, कौन जो ज़्यादा कनेक्ट रहता है वो ज़्यादा कनेक्ट होता चला जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो जितना पास रहेगा वो उतना ज़्यादा पाएगा। खैर